इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स उनके साथ काम करेंगे। स्ट्रिंग एक आपको पता है कॉमनली डाटा टाइप है जो कि एक प्लेन टेक्स्ट होता है। इस वीडियो में हम जो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स के लिए बने हैं उन पर भी काम करेंगे। फंक्शंस मैंने आपको प्रीवियस भी बताया, फंक्शंस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो कि सिंपली एग्जीक्यूट होते हैं जब उसको कॉल किया जाता है और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। और जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, वो ऑलरेडी उस लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं, वो खुद से नहीं बनाने पड़ते। हम स्ट्रिंग्स के लिए फंक्शंस को इसलिए यूज कर सकते हैं ताकि जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसको लिया जा सके और स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई किया जा सके। इसलिए जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर उनको यूज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रिंग जो सा होता है वो एक प्लेन टेक्स्ट होता है। तो अब हम प्रिंट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट है तो उसके लिए कोटेशन मार्क्स लगाना पड़ेगा। माय नेम इज शाज़िम अली। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें सिंपली लिखा हुआ आ गया माय नेम इज शाज़िम अली। तो अब ये देखें ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है हमें माय नेम इज शाज़िम अली। इसके ऊपर अगर कुछ काम करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको यहां से ऑनवर्ड जो मेरा नाम है शाज़िम अली उसको न्यू लाइन में प्रिंट आउट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, बैक स्लैश और साथ में एन। और अब इसको रन करेंगे तो देखें आप माय नेम इज एक लाइन में है और आगे शाज़िम अली दूसरी लाइन में है, मतलब जो ये एन है वो न्यू लाइन का काम करता है। और अगर आप अब देखें इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, अब इसको रन करें तो आप कंसोल पे देख सकते हैं इज और शाज़िम इकट्ठा लिखा गया है, एक साथ लिखा गया है, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। अगर इनके दरमियान आपने स्पेस देनी है तो वो एक ये भी कमांड है बैक स्लैश और टी। और अब इसको रन करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली स्पेस दी गई है। ये कोडिंग में इतना काम नहीं होता क्योंकि हम खुद से स्पेसेस दे सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम इस तरह स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो ये जो सी कमांड है बैक स्लैश टी ये काम आती है। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं जो अपना नाम है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूं और देखते हैं कि प्रिंट की कमांड में हम वेरिएबल को कैसे ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मैसेज। तो यहां पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम के नाम से और उसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूं। अब यहां से मैं अपना नाम रेज कर देता हूं। और अगर आपने कोई साथ में ये देखें जैसे ये मैसेज है माय नेम इज और आगे कुछ आपने एडिशन करनी है, अब हमने एडिशन करनी है यहां पे हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर जो डाटा स्टोर किया है वो हमने यहां पे एडिशन करनी है, तो वो कैसे एडिशन होगी। तो अगर आपने वेरिएबल अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको कोटेशन मार्क्स के बाद आपको प्लस लगाना पड़ेगा और साथ में जो वेरिएबल का नेम है वो लिखना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल का यहां पे नेम है वो नेम ही है एन एम ई नेम। और अब इसको रन करते हैं तो ये देखें माय नेम इज शाज़िम अली आ गया लिखा हुआ अगेन। अब अगर यहां पे मैं कुछ और लिख देता हूं, यहां पे अगर मैं हमजा लिख देता हूं तो यहां पे जो नेम के अंदर जो डाटा स्टोर है वो हमजा है, तो इस दफा मेरा नाम लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, इस दफा जो डाटा इसके अंदर स्टोर है वो लिखा हुआ आएगा। अब देखें शिफ्ट प्लस F10 तो ये देखें माय नेम इज हमजा, तो अब इस दफा हमजा लिखा हुआ आ गया। इस तरह जो होता है वो डाटा अपडेट हो सकता है। अब हम स्ट्रिंग्स के साथ बिल्ट इन फंक्शन है उनके थ्रू काम करेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। अब हम पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो जैसे ही हम उनको कॉल करेंगे उनकी जिस टाइप की फंक्शनैलिटी होगी जिस काम के लिए वो बना होगा वो हमें वो टास्क परफॉर्म करके देगा। ये यूजली जो हम फंक्शंस यूज करते हैं ये इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए होता है, उनको मॉडिफाई करने के लिए होता है। अब इसको रेज कर देते हैं, प्रिंट करते हैं, यहां पे जो सा ना पूरा नेम लिख देते हैं हमजा बिशारत। अब ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू ये जो हमजा बिशारत लिखा गया है
जितने भी लेटर्स होंगे ये सारे छोटे हो जाएंगे। ये देखें, लेट्स सी वेरिएबल का नेम, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर आता है, और उसके बाद हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हमने लोड करना है तो हम लोड करेंगे, और सिंपल इज डैट। और अब इसको रन करते हैं, तो ये देखिए आपने हमजा का एच बढ़ा है और बिशारत का बी बढ़ा है। तो अब इसको रन करेंगे तो देखें, आप कंसोल पे देखें एच छोटा हो गया और बी भी छोटा हो गया। ये जो डॉट लोअर और ये मैंने दो पैरेंथेसिस लगाए हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन की कॉल है। जिस वेरिएबल के बाद इसको कॉल किया जाएगा तो उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि उसके जो प्लेन टेक्स्ट में जो भी होगा लिखा हुआ वो सबको छोटा कर देगा। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अगर आपने यहां देखें, अगर यहां पे आपने बी छोटा किया और एच छोटा किया, तो अब मैं यहां पे अगर अपर लिख देता हूं, डॉट अपर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, तो अब इसको रन करता हूं तो ये देखें सारे जितने भी लेटर्स हैं ये सारे ऑटोमेटिकली बड़े हो गए हैं। इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि जो प्लेन टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको सबको अपर केस में लिख देता है। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। और अब ये देखिए ये सारे छोटे लेटर्स हैं ना, तो अगर मैं चेक करना चाहूं, अब यहां पे तो हमें नजर आ रहा है कि ये दो हैं वर्ड, तो इजीली हम जज कर सकते हैं कि ये छोटे लेटर्स ही हैं। अगर आप यहां पॉज करें कि यहां दो वर्ड्स नहीं है, यहां एक पूरा पैराग्राफ है, तो अगर अब हमने देखना कि ये सारे जितने भी पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स हैं ये छोटे हैं कि बड़े हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन पाइथन के अंदर इंस्टॉल है। यहां पर अगर मैं लिखता हूं डॉट इज लोअर, तो अब देखें हमें बताएगा कि इसके अंदर सब छोटे हैं कि नहीं। अब मैं इसको रन करता हूं तो उसने ट्रू वैल्यू दे दिया कि इसके अंदर सारे छोटे हैं वर्ड्स। तो सेम एज इट इज इसके जो अल्टरनेटिव है, अगर मैं देखना चाहूं कि ये अपर हैं कि नहीं, इज अपर, और अब इसको रन करते हैं तो उसने फॉल्स वैल्यू दे दिया। उसने कहा नहीं, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो अपर केस में नहीं है। इस तरह जो स्ट्रिंग है आपके पास जिस वेरिएबल में वो स्टोर है उसकी आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। तो उसके लिए जो फंक्शन है, उसके लिए फंक्शन यही है कि लेंथ एल ई एन लिखना पड़ेगा ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने जिस वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो वो आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहां पे हमारे वेरिएबल का नेम है नेम, तो अब इसको मैं रन करता हूं तो उसने हमें वैल्यू दे दिया 14। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्पेस होती है उसको भी काउंट करता है। इस तरह अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है तो उसकी आप इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपको ये जो हमजा बिशारत है बैकएंड पे किस तरह ये स्टोर है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बैकएंड के ऊपर कैसे स्टोर है आ रहा होगा। ये देखें हमजा और बिशारत लिखा हुआ है, और ये देखिए इंडेक्सेस में ये सेव है। अभी जो नीचे वाले नंबर्स है आप उनकी तरफ देखें, जीरो इंडेक्स से ये स्टार्ट हो रहा है, देन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 13 तक ये जा रहा है। इस तरह ये बैकएंड के ऊपर ये जो हमजा बिशारत है ये स्टोर है। अब मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बताऊंगा कि आपने किसी भी अल्फाबेट को असेस करना है तो आप इजीली उसको असेस कर सकते हैं अगर आपको उसका इंडेक्स नंबर पता है। तो जिस वेरिएबल के लिए काम करना है उस वेरिएबल का पहले नाम लिखना है, तो हमारे पास नेम है और ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगानी है, और उसके बाद आपने जिस अल्फाबेट को असेस करना है, लेट्स सपोज मैंने एच को असेस करना जो कैपिटल है जो इस टाइम जीरो इंडेक्स पे है, तो मैं सिंपली जीरो लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो देखें आप कंसोल के ऊपर आपको एच प्रिंट आउट नजर आएगा। तो ये देखें आपके पास एच प्रिंट आउट हो गया। अब मैं लेट्स सपोज बी को असेस करना चाहता हूं, तो बी का इंडेक्स इस टाइम क्या है, 6 है, तो मैं 6 लिखूंगा तो बी कैपिटल जोन सा वो नीचे हमें कंसोल पे शो हो जाएगा। तो ये देखें बी है आ गया। अब ऊपर वाले नंबर्स की तरफ देखें -1, -2 ये जो, तो इसमें ये हमें ये बेनिफिट होता है, अभी तो हमारे पास ये 14 लेंथ आ रही है ना,
तो हम इजीली इसको जज कर सकते हैं कि इसकी 14 लेंथ है, इसका इंडेक्स ये हो सकता है, इसका इंडेक्स ये हो सकता है। लेट सपोज आपने एक पैराग्राफ आपने बनाया हुआ, तो आप तो इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते कि इसका इंडेक्स इस टाइम क्या होगा, कि मतलब जो लास्ट अल्फाबेट है उसका क्या इंडेक्स होगा। आप तो कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू दी होती है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली माइनस वन लिखूंगा तो जो लास्ट अल्फाबेट होगा वो हमारे स्क्रीन के सामने आ जाएगा कि हमारा जो लास्ट अल्फाबेट है वो ये है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पे टी लिखा हुआ आ गया कंसोल के ऊपर। अगर मैं माइनस टू लिखूंगा तो इसका मतलब ए आ जाएगा, ए आ गया। यहां पे सीखने वाली बात यह है कि अगर आपने लेट्स सपोज ये हमजा को प्रिंट आउट करवाना है, सिर्फ हमजा लिखा हुआ नजर आए, तो वो आप इंडेक्सेस की मदद से किस तरह करवा सकते हैं। तो अभी ये आपकी स्क्रीन पर जैसे अभी भी आ रहा होगा कि एच का जो इंडेक्स है वो जीरो है। आपने सिंपली इंडेक्स नंबर लिखना है, मतलब जहां से स्टार्ट हो और कितने डिजिट्स हैं ऑनवर्ड, हमजा में कितने डिजिट्स हैं, फाइव हैं, तो आपने ये इसके बाद आपने सिंपल फाइव लगा देना है कोलन के बाद। तो अभी आपके स्क्रीन पर देखना हमजा लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखें हमजा लिखा हुआ नजर आ गया। इसमें यह है कि जो इंडेक्स नंबर है वो आपने बताना है, कोलन के बाद आपने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब लेंथ कितनी है उस हिसाब से, तो वो फाइव बनती है इसकी, तो मैंने सिंपली फाइव लिखा है। अब मैंने लेट सपोज बिशारत प्रिंट आउट करवाना है, तो अब बी का इंडेक्स क्या है इस टाइम, उसका इंडेक्स सिक्स है ना, उसके बाद कोलन है, और ये हमारी पूरी लेंथ कितनी बनती है, मतलब सिक्स से लेके ये 14 तक बनती है। हमने वो प्रीवियस फाइंड भी की थी 14 लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 14 लिखूंगा, तो इसको रन करूंगा तो सिंपल बशारत लिखा हुआ नजर आ गया, ये देखिए हमारे स्क्रीन पे। इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो इंडेक्स फाइंड करता हो कि इस अल्फाबेट का क्या इंडेक्स है, तो उसके लिए भी पाइथन के अंदर ऑलरेडी से मौजूद है बिल्ट इन फंक्शन है। तो उसके लिए सिंपल आपको जो जिस वेरिएबल का इंडेक्स चाहिए उसका नाम लिखना पड़ेगा, नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद इंडेक्स आता है, और उसके बाद आपने किस अल्फाबेट का इंडेक्स फाइंड करना है। लेट सपोज मैंने कैपिटल बी का इंडेक्स फाइंड करना है, तो ये स्ट्रिंग है तो उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, और कैपिटल बी है। अब मैं इसको रन करता हूं तो जो बी का इंडेक्स होगा वो आपकी कंसोल के ऊपर आ जाएगा, तो ये देखें इसका जो इंडेक्स नंबर है वो सिक्स है। अब मैं अगर यहां पे टी का फाइंड करना चाह रहा हूं और अब इसको रन करता हूं तो उसने 13 इसका इंडेक्स नंबर दे दिया। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उस पर बात करते हैं। लेट्स सपोज आपने स्ट्रिंग के अंदर कुछ रिप्लेस करना है, अब मैं यहाँ पे बिशारत की जगह उसकी जो कॉस्ट है वो लिख देता हूं, तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब आप स्ट्रिंग को अपडेट कर सकते हैं। उसका भी फंक्शन है, तो सिंपली आपने जिस वेरिएबल के साथ ये करना है उसका नाम लिखना है, नेम डॉट, आगे जो इसका बिल्ट इन फंक्शन है वो रिप्लेस है, रिप्लेस, और सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कोमास में वो चीज बतानी है जो स्ट्रिंग में ऑलरेडी मौजूद है। अब मैंने बिशारत को चेंज करना है तो मैं फर्स्ट बिशारत लिखूंगा, याद रहे जैसा लिखा होगा वैसे लिखना है, अगर बी बड़ा तो आपने बी बड़ा ही लिखना है, बिशारत, उसके बाद आपने एक कोमा लगाना है, और यहां पर देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर वो देखें न्यू स्ट्रिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे आपने जो न्यू स्ट्रिंग है वो बतानी है कि क्या इसकी जगह आपने लिखवाना है, तो वो भी इन्वर्टेड कोमास में है, तो मैं उसकी कास्ट लिख देता हूं बट्टी, और अब मैं इसको रन करता हूं तो अब हमजा बिशारत की जगह हमजा बट्टी लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ये देखें हमजा बट्टी लिखा हुआ आ गया। इस तरह बहुत से बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स के लिए यूज होते हैं। ये मैंने आपको कुछ जो कॉमनली यूज होते हैं वो मैं आपको बताए हैं। इसके अलावा कैपिटलाइज का भी फंक्शन है, टाइटल का भी फंक्शन है, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको कैपिटलाइज का जो फंक्शन है वो मैं आपको उसकी फंक्शनलिटी बताता हूँ कि आपको पता है जब लाइन खत्म होती है उसके बाद डॉट आता है,
तो डॉट के बाद जब नेक्स्ट लाइन शुरू होती है जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो अगर आपके पास एक पैराग्राफ है उसके अंदर तरतीब नहीं सेट, मतलब डॉट के बाद जो फर्स्ट लेटर है उसका जो अल्फाबेट है वो कैपिटल नहीं है, आप मैनुअली कितना को उसको चेंज करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। आप सिंपली वो फंक्शन लगाएंगे तो उसके अंदर जो डॉट के बाद फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे देखें इसका ऐड छोटा कर देता हूँ और नेम के बाद कैपिटलाइज, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखें वहां पे स्क्रीन के ऊपर हमने जहां पे जो लिखा था वो एच छोटा है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एच बड़ा हो गया। इसके बाद अगर मैं डॉट लगाता और आगे फर्दर लिखता तो वो अगर वो छोटा लिखता तो वो ऑटोमेटिकली इसको बड़ा कर देता। ये इसकी फंक्शनैलिटी में आता है। अब जो सा नेक्स्ट है टाइटल के बारे में आपको बताता हूँ। टाइटल के बारे में आपको पता है उसकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि जब हम टाइटल लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है, उसका जो नेक्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है, उससे नेक्स्ट जो लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने बी छोटा किया हुआ है लेट सपोज, तो उसने ये एक वर्ड है इसको भी उसने बड़ा लिखना है जो फर्स्ट उसका लेटर है, और ये एक वर्ड है बिशारत इसका जो फर्स्ट लेटर है उसने इसको भी बड़ा करना है, मतलब बी को बड़ा कर देगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट में अगर भट्टी भी लिख देता हूँ स्पेस के बाद, तो अगर उसका मैं बी छोटा लिखता हूँ तो बी को भी बड़ा कर देता है। मतलब जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको वो बड़ा कर देता है। ये टाइटल की फंक्शनैलिटी में आता है। तो अब मैंने ये दोनों छोटे लिखे हैं तो अब मैं यहाँ पे टाइटल के फंक्शन को कॉल करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखें एच भी बड़ा लिखा हुआ आया, बी भी बड़ा लिखा हुआ आया, और आगे ये देखें मैं अगर भट्टी भी लिखता हूँ तो अब इसको रन करता हूँ तो इसका बी भी बड़ा होगा। अगर आपने स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये टाइटल की फॉर्म में है कि नहीं, उसके लिए भी फंक्शन है, उसके लिए सिंपल यही फंक्शन है, आपने डॉट के बाद इज टाइटल लगाना है और इसको रन करना, वो आपको बता देगा कि ये टाइटल है कि नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो उसने फॉल्स वैल्यू दे दी है। वो क्यों वैल्यू दी है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग हमने लिखी ये जो टाइटल की फंक्शनैलिटी है उसको फॉलो ही नहीं कर रही है। मतलब इसके जितने भी फर्स्ट लेटर हैं जो इसके जो फर्स्ट अल्फाबेट हैं वो सब छोटे हैं, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे एच बड़ा कर देता हूँ, इधर बी बड़ा कर देता हूँ और इधर भी मैं बी बड़ा कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें ट्रू वैल्यू देगा। तो ये देखिए इसने ट्रू वैल्यू दे दी है। ये मैंने काफ़ी हद तक आपको जो बिल्ट इन फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। आप इसके अलावा इंटरनेट पर जाके गूगल पर सर्च करें तो इसके बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको बिल्ट इन फंक्शन मिलेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। उसके ऊपर काम जब आप करेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा वो ज़्यादा डेवलप होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।